हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, एचएसएससी रिजल्ट न्यूज़। तो एचएसएससी ने दो नए नोटिस भेजे हैं और दो भर्तियों के आपके जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, इंतज़ार ख़त्म हो गया। अभी काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं भाई, फाइनल रिजल्ट पोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रीशियन इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स 14/2019 कैटेगरी नंबर 25। तो टोटल 28 पोस्टों के लिए रिजल्ट है भाई। यहाँ पर 49 नंबर पर कट ऑफ है, बिल्कुल नॉर्मल कट ऑफ यहाँ पर गई है भाई। वेटिंग भी इसमें दी गई है साथ के साथ, तो ये आप देख सकते हैं भाई। और यहाँ पर एक पोस्ट खाली रही है भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अवेलेबल कैंडिडेट यानी एलिजिबल है वो नहीं मिला, इस वजह से BCA की जो पोस्ट है एक खाली रही है। और आज के डेट का बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस आप चेक कर सकते हैं। और 28 पोस्टों के लिए कैटेगरी नंबर 25 एडवर्टाइज है 14/2019। तो एक और रिजल्ट वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। तो ये भाई आपका असिस्टेंट प्रोग्रामर है आपका, और 14/2019 कैटेगरी नंबर 3 फाइनल रिजल्ट। अभी एक पोस्ट के लिए 43 नंबर पे वेटिंग अभी ESM जर्नल की है, एक सर्विसमैन की, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी खाली नहीं गई, एक पोस्ट थी, एक पोस्ट इनकी भरी गई है। और ये आज की डेट का नोटिस है भाई, आज की डेट का HSSC का ये तीसरा नोटिस है। एक जो आया था आपका 12/19 का, और वो क्या था भाई, कैटेगरी नंबर 22 का, उसमें कुछ चेंज किया गया था, कोरिजेंडम यानी रिवाइज रिजल्ट किया गया था, उसमें कुछ बदलाव किया गया था। और अब जो फाइनल रिजल्ट आपके वो जारी होने हैं, वो शुरू हो गए हैं, चाहे भी 12/19 हो, 14/19 हो या 1/2020 हो। तो जल्द से जल्द अब आपके जो पेंडिंग रिजल्ट है वो HSSC जारी करने वाला है। तो ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, बड़ी खुशखबरी थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।